तो आ चुके एकदम न्यू एपिसोड के साथ। इस बार हम उतर रहे हैं मेले में, मतलब हर बार की तरह मेले में। वो तो कल चले गए थे, कल की वीडियो में ज़्यादा शेनों में चले गए थे, तो आज तो इधर ही आ गए। और हमारे साथ खेल रहे हैं हमारे वही पुराने टीममेट और ठाकुर जी, स्पेशल ठाकुर जी है। तो हाँ भैया, ठाकुर जी थे ऑफलाइन और उनको उठाना था उन्हें सेफ, और भैया ये था हॉट ड्रॉप। तो भैया देखो कैसे बचाएंगे इन्हें अब, मतलब एक स्क्वाड आती भी है अब इनको, तो यहाँ हम टपरे पे उतार देते हैं, ये भी छप्पर होता है ये, यहाँ पे उतार के हम इनको मतलब ऑफलाइन खड़ा कर देते हैं। अब भैया हमारे सूत्रों से हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पे एक और स्क्वाड आ चुकी है, तो भैया हम तेजी से में भगते हैं गन लेने के लिए। और गन लेके आते हैं यहाँ पे, तो एक बंदा इस छपरे के ऊपर बैठा हुआ रहता है जिसको मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, पर इसके आर पर गोलियाँ तो लगती ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसी के चलते हमारे टीममेट को किला दिया जाता है, नॉक कर दिया जाता है। तो हम थोड़ा पीछे फॉलबैक करते हैं और मैं ठाकुर जी के पास जाते हैं। इतनी देर में ठाकुर जी आ जाते हैं और ये भैया नागिन मिलके यहाँ पे लोट लगा रहे होते हैं। उसके बाद एक बंदा इधर की साइड मुझे फुटप्रिंट आ रहे होते हैं। तो अब देखो कैसे बजाएंगे इन्हें। मतलब नागिन जैसे डोल रहे होते हैं ये। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक और बंदा दिख जाता है, उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। और फिर अब बारी थी इनके ऊपर पुश करने, क्योंकि इनके दो बंदे नॉक थे, दो खड़े थे। अब तुम कैसे बजाएंगे इनको। बोलने तक कि मेरे लिए छोड़ दो, पर हम तब तक मार चुके होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और भैया फिर थोड़ा गन वन ले लेते हैं यहाँ से, हम थोड़ा लूट वूट कर लेते हैं अच्छी खासी। और हमारे टीममेट ने चलाई होती है फ्लेयर, आकाश सर ने, तो आकाश सर को हमने बातों में लगाया और अपन ने ड्रॉप गायब कर दिया। मतलब यही होती ट्रिक, अपने टीममेट को बातों में लगाओ और अपन ड्रॉप उड़ा ले जाओ। तो इसी के चलते हम AWM चुरा लेते हैं यहाँ से, और दूसरी गन होती है M249, वो हमारे सर ले लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्रॉप पे, और ड्रॉप पे होती है गाड़ी। अब लोग कैसे मारेंगे, चल 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 रुक दे। क्योंकि ये दो बंदे होते हैं तो दो बंदों को हम ख़त्म कर देते हैं आसानी से, मतलब हम तीन चार होते हैं और वही ये दो होते हैं, तो उनके ऊपर हम भारी पड़ जाते हैं। फिर सर को आकाश सर को रिवाइव करते हैं, यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है और इतने में आकाश सर के नेटवर्क चले जाते हैं। भैया आप देखो कैसे होते हैं यहाँ पर, उस बंदे को मैं कर देता नॉक, पर उसका टीममेट भी होता है। देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे, उसका टीममेट जो होता है हमारे ठाकुर साहब को कर देता है नॉक, पर हमारे होते हुए ठाकुर साहब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, जिसके चलते हम उसको तुरंत फिनिश कर देते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चलता है बाकी। बाकी जो मेला होता है जहाँ से हम भग के आए होते हैं, तो वहाँ से भी एक स्क्वाड आ चुका होता है, और वो भैया हमारे टीममेटों को बजाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर हम देखो कैसे बदला लेंगे इनसे। और जय श्री राम का लाल टीका लगा दिया इनके माथे पे, और उसी के साथ एक बंदा कर देते हैं हम नॉक, और उसके बाद हमारे जो ठाकुर साहब उनको रिवाइव देना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है, बहुत ही हुकुम के इक्के हैं हमारे लिए। तो भैया उनको रिवाइव देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा, मतलब और ऊपर से रेड जोन की मतलब कहर बरसा रहा होता अपना, तो उसी के चलते फिर रिवाइव करके हम यहाँ से कटते थोड़ी फुर्सत में। अब यहाँ पे एक बंदा और डीपी चला रहा होता है, मतलब आकाश को बार बार नॉक करे जा रहा होता है, उसको फिनिश कर ही देता है आखिरकार। तो उसको हम कर देते हैं यहाँ पे नॉक एक फटके में जय श्री राम का लाल टीका लगा के, और उसके बाद हम थोड़ा फ्लैंक ब्लैंक करके पहुँच जाते हैं उधर की साइड वेयर हाउस की तरफ। अब देखो कैसे बजाएंगे इन्हें। अब इसके एक बंदे को तो मैं कर देता हूँ नॉक, पर जवाबी हमले के दौरान हमारे जो अरुण सर है भैया नॉक कर दिया जाता है उनको। हमारे ठाकुर साहब जो है भैया इनको रिवाइव करने के लिए रुक जाते हैं, और हम चलते हैं कवर देने के लिए। तो एक बंदा भी उनका पुश कर रहा होता है ओपन सर, जब कैसे खिलाएंगे। तो अब इसका जो आखिरी बंदा होता है वो स्मोक के अंदर रिवाइव दे रहा होता है, तो हम उसी का फ़ायदा उठाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं कि भैया उठा लो इनको जल्दी से चले जाओ, वरना रिवाइव हो गया तो वापस पासा पलट सकता है। तो अब देखो कैसे मारेंगे इन्हें।
अब ये बंदा बिना हील करे मेरे ऊपर जंप लगा के आ रहा होता है, उसको पता नहीं होता है कि भैया सामने कौन है, मतलब हल्के में ले रहा था हमें, तो उसी के चलते हम उसको आसान से टिला देते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं गाड़ी चेंज करने के लिए, काफ़ी देर तक घूम रहे होते हैं, बंदे मिल नहीं रहे होते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। अब यहाँ सामने की तरफ फायरिंग हो रही होती है, मैं उधर देखने के लिए जाता हूँ तो हमारे पीछे तरफ से हम पे फायरिंग होना शुरू हो जाती है, तो इसकी जवाब मतलब पीछे से हमले करने का हम एकदम बेहद ही शानदार तरीके से बदला लेंगे, और बदला लेना तो बनता है। और अब देखो कैसे बुझाएंगे इनकी खोपड़ियाँ फोड़ेंगे हम, और ये जय श्री राम का लाल टीका और एक और को पढ़ने वाला है, देखो जय श्री राम एक और टीका, मतलब टीके पे टीके लगाए जा रहे हैं आज चकाचक वाले। अब मैं इनको मास्क लगा के बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे दो नॉक करे हैं, उनके टीममेट हैं उधर की साइड, तुम ऊपर की साइड चले जाओ वहाँ से मारना, उसके बाद रिच का एडवांटेज हो जाएगा अपने पास, तो अपन आसानी से मार सकते हैं। अब मैं ये आता हूँ तो मुझे दो बंदे भगते हुए दिखा देते रिवाइव करने के लिए आ रहे हो उसके टीममेट। अब उसका एक टीममेट को मैं कर देता हूँ नॉक, और यहाँ पे मेरा सिर्फ पिक का टैब हो जाता है और स्कोप ओपन नहीं हो पाता, जिसके चलते हमारे अरुण सर बंदे को गाड़ी से ही कुचल देते और वो किल अपना मिस हो जाता है, वरना अपन उस किल को भी ले लेते चुरा लेते अच्छे से। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे खड़े होते हैं, मतलब थोड़ा हीविल कर रहे होते हैं, तो भैया यहाँ पे ना स्नाइपर टावर के वहाँ पे एक स्क्वाड होता है, तो उसके एक बंदे को हम मतलब काफ़ी देर से हम परेशान कर रहा था हमें, तो उसको हम जय श्री राम का एक लाठी का लगा के एकदम थोड़ा शांत कर देते हैं। मतलब जो भी मतलब ऐसा है कि जो भी बंदा मतलब ज़्यादा वो करता है बवाल खड़ा करता है, तो भैया उसको जय श्री राम का लाल टीका लगाओ तो उसकी सब गर्मी ठंडी हो जाती है, मतलब शांत हो जाता है। तो उसके चलते भैया हमारे ठाकुर साहब भी एक भैया बंदे को लाल टीका लगा देते हैं और अपन इधर से एक और को लाल टीका लगा देते हैं। तो उसी के चलते मैं उनको बोलता हूँ कि रश करो, तो वो गाड़ी से जाते हैं और मैं पैदल जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लिंग करके इधर आ चुका होता हूँ, दूर होता हूँ इनसे, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे होते हैं यहाँ पर, कैसे मारेंगे उसको। अब लकड़ी के शेक पे मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसे मैं आसानी से टिला देता हूँ, और अब स्मोक के अंदर भी एक बंदा नॉक था, तो उसका टीममेट जो होता है उसे रिवाइव देने जाता है, और मैं इनको मार्क लगा के बता देता हूँ कि भैया लास्ट बंदा है जो कि स्मोक के अंदर है, वहीं पे गाड़ी ठोको सीधे उड़ा दो। तो देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे, अब वो बंदा जो होता है इनको चकमा दे के भैया स्नाइपर की जो वॉच टावर होता है, स्नाइपर टावर जो भी होता है, इसके अंदर भग के आ जाता है और उसका फायदा अपने को मिल जाता है और अपने को उसका किल मिल जाता है। तो भैया ऐसे के चलते हमारे अच्छे खासे 15 किल हो जाते हैं यहाँ पे, मस्त एकदम। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इधर की साइड रोटेशन लगा के, और इतनी देर में ऊपर आ चुका होता है एक और स्क्वाड, तो अब कैसे लेंगे इसको, जय श्री राम का लाल टीका लगा के शांति देने प्राप्त कराते हैं इसको, शांति मतलब शांति प्राप्त कर देते हैं। तो उसके चलते भैया जवाबी हमले के द्वारा हम पे डीपी फायर हो गई जाती है आगे से। अब मैं गाड़ी में बैठ के थोड़ा रूम पे पुश करना चाहता हूँ, तो भैया मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, तो उस बंदे को भी थोड़ा लाल टीका लगा के फिर पुश करने की हम सोचते हैं। तो भैया देखो कैसे लाल टीका लगाते हैं इसे, और ये जय श्री राम का लाल टीका। उसके बाद हमने गाड़ी उठाई और पहली फुर्सत में हमारे फंटर लोग को लेके हम कर चुके थे पुश, तो अब देखो कैसे मतलब इनको ऑल्टरनेट करने वाले हैं, मतलब देखो मस्त मजा आएगी इनको। दो बंदे में नॉक कर चुका था, लास्ट बंदा हमारे ठाकुर साहब को थोड़ा नॉक कर देता है, पर हमारे अरुण सर होते हैं जो भी कार्रवाई के दौरान उस बंदे को पूरा खत्म कर देते हैं, और हमारे 17 किल पे हमारा चिकन डिनर हो जाता है। और ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।